हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी वो मुहिम जारी रखेंगे जिसका नाम है कोटा SOS। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक छात्रा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की दर्शक है और उस छात्रा का परिवार भी ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, उसके माता पिता भी ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, ये छात्रा कोटा में नहीं रहती। उसने हमें एक चिट्ठी लिखी। कोटा में इस साल 25 छात्र और छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए आज मैं आपको और कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक छात्रा की चिट्ठी पढ़कर सुनाऊंगा जिसे हमारे देश के हर माता पिता को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये छात्रा कोटा में नहीं रहती लेकिन ये खुद JEE की परीक्षा की तैयारी कर रही है और फिर इसने हमें लिखा है। मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस लड़की ने कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन उसने क्या लिखा है, लिखती है, सर आज से 2 महीना पहले मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कमिट कर लिया है। वजह थी IIT। उसके पेरेंट्स घर में नहीं रहते थे बट मेंटल प्रेशर फोन कॉल के जरिए देते रहते थे। वो अकेला हो चुका था। आज भी हम सब डरते हैं कि हमसे अलग ये कदम कौन उठाएगा। हमारे स्कूल वाले 18 टेस्ट हफ्ते में लेते हैं। पहले स्कूल में सुनते हैं कि हम फेल्योर हैं, फिर घर पर आकर सुनते हैं कि हम फेल्योर हैं। सर हमें फेल्योर से डर नहीं लगता, हमें पेरेंट्स की उम्मीद टूटने से डर लगता है। हमें यह लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवा पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यह लगता है कि हम शायद इनकी जिंदगी के सबसे बड़ी मिस्टेक हैं, इनकी जिंदगी पर सबसे बड़ी बोझ है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स उन्हें ये कहते हैं, जिन्होंने ये कह रखा है कि अगर तुमने कॉम्पिटिशन नहीं निकाला तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। We are just so tired, सर। मेरे जैसे सिर्फ कोटा में नहीं बल्कि और भी जगह बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, भरे पड़े हैं। सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं बल्कि खुद IIT में जाके लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। स्कूल हो, कोचिंग सेंटर हो, सब जगह बहुत प्रेशर है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका मन भी नहीं था बट देवर फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया। और सिर्फ साइंस स्ट्रीम नहीं सर, और स्ट्रीम्स में भी ऐसा ही है। जब से आपने अपना शो कोटा SOS चलाया है तब से बहुत हिम्मत के साथ मैं ये लिख रही हूं और मैंने बड़ी हिम्मत के साथ ये चिट्ठी लिखी है। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे और हम बच्चों को समझेंगे। ये लड़की चाहती है कि मैं इसकी चिट्ठी पढ़ूं। मेरे पेरेंट्स आपका शो देखते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, प्लीज कीप डूइंग इट एंड इफ पॉसिबल प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट। आगे बातें में उन्होंने और बाकी बातें लिखी हैं। IIT एस्पिरेंट, अपना नाम नहीं लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के माता पिता ने ये चिट्ठी जरूर पढ़ी होगी और ये देश के हर बच्चे की कहानी है। इसलिए हमेशा कोचिंग सेंटर को दोष देना ठीक नहीं है, हमेशा कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दोष देना ठीक नहीं है। सबसे पहले माता पिता को बच्चों के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे और अपने बच्चे में सिर्फ एक इंजीनियर और एक डॉक्टर को ढूंढना बंद कीजिए।